चलिए अभी फिलहाल पास है। और अगला सवाल हमारे पास है LIC के बारे में। मतलब इसको ना देखने समझने का तो कोई कारण नहीं है, लेकिन हाँ पसंद करने ना करने के पीछे बहुत स्ट्रांग रीजंस हो सकते हैं। तो इनका इनकी निराशा यही है कि जब से लिया है प्रदर्शन ठीक ठाक नहीं है, अब क्या करें इसमें। बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग रहा है और काफी इन्वेस्टर्स का ये एक पेन पॉइंट रहा है, स्पेसिफिकली आईपीओ के बाद मार्केट शेयर गेन के दे आर नॉट एबल टू प्रॉबली मेंटेन द मार्केट शेयर गेन्स। और कहीं ना कहीं आई थिंक जो नया प्रोडक्ट मिक्स है ये इम्प्रूव करने की इच्छा है LIC की। नाउ दैट विल बी अ ट्रांजिशनरी फेज, और जो ये नए प्रोडक्ट्स लाएंगे विच आर गुड मार्जिन प्रोडक्ट्स ये शायद नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो फ्रॉम द सेकंड हाफ ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो काफी पेन से काफी इन्वेस्टर्स गए हैं बाय होल्डिंग ऑन टू दिस स्टॉक, बट मुझे लगता है काफी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। प्रोडक्ट मिक्स में चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म में चेंज हो रहा है, डिलीवरेबल्स में चेंज हो रहा है, इनके जो एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, जो कमीशन पे आउट्स है इसमें चेंज हो रहा है, काफी कुछ आई थिंक प्रभाव FY24 के सेकंड हाफ से देखने मिलेंगे एंड दैट शुड रिफ्लेक्ट वेरी वेरी पॉजिटिवली। तो आई नो वी गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, थोड़ा और पेशेंस रखें, शायद सेकंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर से आई थिंक नंबर्स विल स्टार्ट इंप्रूव। क्या इसमें अब एक बॉटमिंग आउट या एक काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहा है आपको? और जब भी ये इस कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा तब कोई बढ़िया चाल बनेगी, या उसको प्रियम्प्ट अभी करना मुश्किल होगा? नहीं, आई थिंक इट विल गो थ्रू ह्यूज टाइम एंड प्राइस कंसोलिडेशन राजीव जी आई थिंक, बट यहाँ से कोई स्ट्रक्चरल बहुत बड़ी डाउनफॉल लग नहीं रही है क्योंकि आई थिंक द वर्स्ट इज प्रॉब्ली ओवर एज फार एज रिपोर्टिंग इज कंसर्न। और जैसे मैं कह रहा था आई थिंक ट्रिगर्स काफी है, तो अगर ये ट्रिगर्स नंबर्स में सब्सटेंशिएट होते हैं जैसे मैं देख रहा हूँ इन द सेकंड हाफ ऑफ द नेक्स्ट ईयर, शायद एक अपसाइड स्टॉक के लिए काफी अच्छी खुलती है, क्योंकि डाउनसाइड रिस्क अल्टीमेटली आई थिंक स्टॉक बचा चुका है। तो थोड़ा पेशेंस रखे जैसे मैं कह रहा था, देर आर जी लॉट ऑफ ट्रिगर्स ऑन द वे। मतलब पेशेंस अभी रखें अगर पहले से ले रखा है, लेकिन अगर कोई नए निवेश के लिए सोच रहा हो तो अभी हाथ लगाए या फिर मतलब चीज़ें होती हुई देखें उसके बाद चार्ट पे या फंडामेंटल्स के नज़र से जब आपको कुछ एक नया ट्रिगर बनता हुआ दिखे तब पैसा लगाएं? क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि टाइम वाइज प्राइस वाइज दोनों तरह से एक लंबा कंसोलिडेशन हो सकता है, तो जब बाज़ार में इतने सारे दूसरे मौके दिख रहे हैं तो क्यों पैसा फंसा के रखें? नहीं बिल्कुल, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आई थिंक एक बार अगर नंबर्स आने लग जाए फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और वहाँ पे हमने देखा कि नंबर्स में अच्छी खासी सुधार आ रही है, जो प्रोडक्ट मिक्स की हम बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की, दे हैव स्टार्टेड प्लेइंग ऑन नंबर्स, मैनेजमेंट कॉमेंट्री ये दर्शा रही है कि वे आर ऑन द राइट ट्रैक, वो स्टॉक ऑटोमेटिकली रिएक्ट करेगा। तो इन दैट केस जैसे आपने कहा आई थिंक पैसे अटका के रखने में कोई मतलब नहीं है, देयर आर बेटर स्टोरीज इन द मार्केट एट पॉइंट।